दोस्तों आज हम जैमिनी राय जी के जीवन और उनकी जो कला की यात्रा थी उसके ऊपर बात करेंगे। और वीडियो शुरू होने से पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल आर्ट ले वॉइस पे सब्सक्राइब करें। इस चैनल में आपको विभिन्न कलाकारों की जीवनियाँ और उनके इंटरव्यू सुनने को मिलेंगे। जैमिनी राय एक महान इंडियन पेंटर थे। उनका जन्म 11 अप्रैल 1887 में हुआ था और अनफॉर्चुनेटली उनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1972 को हुई और उनको 1954 में पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। बहुत ही बड़ा अवार्ड है, प्रोबेबली सबसे बड़ा अवार्ड है, तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वह कितने महान कलाकार थे। जैमिनी राय जी को शिक्षा अवनिंद्रनाथ टैगोर जी से मिली, जो कि एक महान शिक्षा गुरु थे, और उनकी जो कलाकृतियां हैं वो फोक आर्ट से काफ़ी प्रभावित हैं और इंडियन कल्चर और इंडियन फोक आर्ट को रिप्रेजेंट करती हैं। उनका जन्म बेलियातोर नाम के एक गांव में बंकुरा जिला में वेस्ट बंगाल में हुआ था 14 अप्रैल 1887 को। एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली थी बट आर्ट लवर फैमिली थी और इसीलिए उनके जो भविष्य के डिसीजन थे वो काफ़ी प्रभावित रहे। 16 साल की उम्र में उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट कलकत्ता अटेंड किया और वहाँ पे लकीली अवनिंद्रनाथ टैगोर जी जो थे वाइस प्रिंसिपल थे उस इंस्टीट्यूशन में और उनसे उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिला। एकेडमिक ट्रेडिशन जो ड्राइंग होती हैं, क्लासिकल न्यूड्स और ऑयल पेंटिंग, और 1908 में उन्होंने अपना डिप्लोमा पूरा किया। बाद में उनको ये रियलाइज़ हुआ कि वेस्टर्न जो पेंटिंग्स हैं वो मेरे को इतना प्रभावित नहीं करती और उन्होंने डिस्कवर किया कि वो इंडियन आर्ट में ज़्यादा ग्रोथ करेंगे, तो उनका अब झुकाव अपने कल्चर की तरफ ज़्यादा था और इसलिए उन्होंने लाइव फोक ट्राइबल आर्ट पे ज़्यादा काम करना शुरू किया। कालीघाट पेंटिंग से बड़े प्रभावित थे, जिसमें आप देखते हैं कि देवी देवताओं की पेंटिंग होती है, बड़े बड़े स्ट्रोक लगाए जाते हैं, तो बड़े प्रभावित थे उस पेंटिंग से वो। और एक बाद में संथल डांस के ऊपर उन्होंने काफ़ी काम किया 1921 से 1924 में। और उनके परिवार में उनके 4 बेटे और 1 बेटी थी। दोस्तों अब हम बात करेंगे उनके स्टाइल डेवलपमेंट की और उनका जो प्रोफेशनल करियर था उसकी बात करेंगे। उन्होंने अपना प्रोफेशनल करियर एज ए कमीशन पोर्ट्रेट आर्टिस्ट शुरू किया। 1920 तक उन्होंने यह फैसला किया कि वो अब इस काम को छोड़ेंगे और अपने आप को एज एन आर्टिस्ट डिस्कवर करेंगे। जो वेस्टर्न ट्रेनिंग थी उसको छोड़ के बजाय उन्होंने बंगाली जो फोक ट्रेडिशन था उसकी तरफ उनका झुकाव ज़्यादा था और उस तरफ जाने का फैसला किया। उनको एक आर्ट मशीन भी बोला जाता है। अपने जीवन काल में उन्होंने 20,000 पेंटिंग्स का निर्माण किया। बहुत ही मुश्किल काम है एक आर्टिस्ट के लिए एक लाइफ स्पैन में इतनी पेंटिंग बनाना। उनका टारगेट हमेशा ऑर्डिनरी मिडिल क्लास लोग रहते थे और वो चाहते थे कि हर क्लास के लोगों तक, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, मिडिल क्लास हो, सब तक आर्ट को पहुंचाया जाए, लेकिन मिडिल क्लास की तरफ उनका झुकाव ज़्यादा था। वो यह मानते थे कि जो साधारण लोग हैं वही कला की आवाज़ हैं, ना कि बड़े बड़े बिजनेसमैन या बड़े बड़े लोग जो हैं वो कला की आवाज़ हैं। साधारण जो मिडिल क्लास फैमिली है वो कला की आवाज़ है। उनके कला में 3 उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य यह था कि जो फोक पीपल हैं उनकी लाइफ की जो सिंप्लिसिटी है उसको दर्शाना। दूसरा उद्देश्य था कि हर सेक्शन के लोगों तक कला को पहुंचाना। तीसरा उद्देश्य था कि इंडियन आर्ट को, भारतीय जो कला है उसको एक ऊंचाई तक लेके जाना। पहली बार उनका एग्जीबिशन कलकत्ता की गलियों में 1938 में किया गया ब्रिटिश इंडिया में। 1940 में उनको बंगाली मिडिल क्लास और यूरोपियन कम्युनिटी एज ए क्लाइंटेज मिली। 1946 में उनका एग्जीबिशन लंदन में हुआ। 1953 में न्यूयॉर्क में उनका एग्जीबिशन किया गया। 1954 में उन्हें पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया और काफ़ी बड़ी बड़ी गैलरीज की कलेक्शन जो है उसमें जैमिनी रॉय की पेंटिंग्स आती हैं। इंटरनेशनल एग्जीबिशन उनके हुए उस समय। विक्टोरिया और अल्बर्ट म्यूजियम में उनकी पेंटिंग हैं लंदन में, और कलकत्ता की जो गैलरीज हैं, दिल्ली की, बॉम्बे की, सभी गैलरीज में उनके, बड़ी बड़ी गैलरीज में उनके कलेक्शन हैं।
उन्होंने कालीघाट पेंटिंग के साथ काफी एक्सपेरिमेंट किया। फिर पतुआ एक कम्युनिटी होती थी जो आर्ट में काफी ज्यादा थी, तो पतुआ के साथ उन्होंने काफी काम किया और वो अपने आप को भी एक पतुआ मानते थे और उनकी टेक्निक्स जो थी वो ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ बंगाल की तरफ ज्यादा झुकाव में आ गई। जैमिनी राय जी का देहांत 1972 में हुआ और उनके पीछे उनके चार बेटे और एक बेटी एज ए सक्सेसर बचे और उन्होंने एक बैली गुंगू नाम की जगह का निर्माण भी किया कोलकाता में। उनकी महान कलाकृतियों में एक रामायण की सीरीज आती है जो 1946 में कंप्लीट हुई थी। इसमें 17 कैनवस थे 106x76 सेंटीमीटर के और यह सीरीज बहुत ही फेमस सीरीज है। कालीघाट पता स्टाइल जो है उसमें है नेचुरल कलर का यूज किया है, अर्थ कलर, चाक पाउडर, वेजिटेबल कलर का यूज करके बनाया गया है और इस सीरीज को जो आपकी मॉडर्न आर्ट गैलरी है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट है और इस सीरीज के कैनवास उनके पास भी हैं कुछ। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल जो है लंदन में, वहां पे भी इनका प्रदर्शन होता है। और इस सीरीज में वाल्मीकि की पेंटिंग से शुरुआत होती है और सीता अग्नि परीक्षा तक जो है उस सिनारियों की पेंटिंग्स हैं। 17 कैनवास हैं इस सीरीज में और ज़्यादातर पेंटिंग्स में डेकोरेटिव फ्लावर्स मिलते हैं या लैंडस्केप दिखाई देते हैं, पक्षी दिखाई देते हैं, जानवर दिखाई देते हैं और बहुत ही सुंदर जो है कलर कॉम्बिनेशन है, कलर स्कीम बहुत ही प्यारी है, उनकी कलर चॉइस बहुत अच्छी थी। ब्राइड एंड टू कंपेनियन 1952 में टेम्पेरा में बनी हुई है और 75x39 सेंटीमीटर है साइज और बहुत ही सुंदर जो ब्राइड है उसके हाथ में सैंडलवुड पेस्ट लगा हुआ है रेड और बहुत सुंदर काम है ये भी। ड्वेल कैट विद वन क्रेफिश 1968 टेम्पेरा में बनी हुई 55.5x44 सेंटीमीटर है, बहुत फेमस पेंटिंग है। तो ऐसे ही और भी बहुत सारी कलाकृतियां हैं जो मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो ये सारे फेमस वर्क हैं जैमिनी राय जी के। तो हम यहाँ पे इस चैप्टर को समाप्त करते हैं इस जीवनी को। और आपने देखा कि जो भारत के महानतम अगर आप 10 कलाकार गिनोगे तो उसमें जैमिनी राय जी का नाम तो आएगा ही आएगा, इतने ग्रेट वो आर्टिस्ट थे। और पद्म भूषण जैसा अवार्ड जो है वो किसी छोटी मोटी हस्ती को नहीं मिलता, बहुत बड़ी हस्ती थी वो आर्ट जगत में, तो उनका नाम जो है एक सितारे की तरह रहेगा।